गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, हिंदी में आजकल हम क्या कर रहे हैं बताओ, जल्दी से बताओ। यस, बड़ी की मात्रा हमने स्टार्ट की है ना। तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कैसा आता है? ई कैसा आता है? ई। और छोटी की मात्रा का कैसा आता है? इ कैसा आता है? इ। आपको डिफरेंस पता चला ना, छोटी की मात्रा का छोटा उच्चारण, बड़ी की मात्रा का बड़ा उच्चारण। ठीक है बच्चों, तो कल आपने क से कहाँ तक लगाया था? छ तक लगाया था, है ना। इसको आपने घर में रीडिंग की अच्छे से, तो मुझे बताओ क ख ग, ग में अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या आएगा बताओ जल्दी से। ग प्लस बड़ी की मात्रा, तो क्या आएगा उसका उच्चारण? गी। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आता है? अच्छा, च में अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ची। वेरी गुड। तो बच्चों, आपने क से छ तक आपने कल लगा लिया है ना। आज हम कहाँ से लगाएंगे? त से न तक। ठीक है बच्चों, क ख ग घ ग च छ ज झ ई तक हमने ई में लगता नहीं है क्योंकि वो खाली होता है। उसके बाद आता है त। तो आज की कक्षा में हम ट से न तक ई की मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, तो पहला वन क्या है? ट। ट प्लस बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण है ट, इसका उच्चारण है ई, तो क्या बनेगा? टी, है ना। ट प्लस बड़ी की मात्रा टी। समझ आया बच्चों? तो चलो हम इसको नोटबुक में करके देखते हैं, आप भी ऐसे इसको कर। तो बच्चों, अब हम इनको कुछ व्यंजनों में लगाकर देखते हैं। ठीक है, टुडेज डेट इज 15 सितंबर 2020, वेदर इज क्लाउडी, क्लास वर्क ई की मात्रा। ठीक है, और यहाँ कौन कौन से व्यंजन लिखे हैं मैंने? ट से न तक, है ना। इनमें हम आज मात्रा लगाएंगे और उनका उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ट प्लस बड़ी की मात्रा टी, क्या बना? टी, है ना। ठ प्लस बड़ी की मात्रा ठी, इसका उच्चारण है ठ और इसका उच्चारण है ई, तो क्या बना? ठी, है ना। इसका उच्चारण है क्या है बताओ? ड प्लस बड़ी की मात्रा डी, है ना। ड, इसका उच्चारण ड ई डी, इसका उच्चारण है ढ प्लस बड़ी की मात्रा ढी। ठीक है, उसके बाद है ढ के बाद क्या आता है? ड़ खाली। ड़ खाली में तो मात्रा नहीं लगती है। अब हम लगाएंगे त में, इसका उच्चारण क्या है? त प्लस बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? टी। त ई टी। थ प्लस, इसका उच्चारण क्या है? बड़ी की मात्रा है ना, ये क्या उच्चारण है इसका? ई, तो क्या बनेगा? थी। वेरी गुड। फिर है बताओ ये क्या है? द प्लस, यस, बड़ी की मात्रा, क्या उच्चारण है इसका? ई, तो क्या बनेगा? डी। फिर है थ प्लस बड़ी की मात्रा थी। न प्लस बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? नी। फिर से रीड करते हैं। टी ठी टी ठी। फिर क्या आता है? र खाली, उसमें तो मात्रा नहीं होती है। फिर त ती थी दी थी और नी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज आप अपने क्लास वर्क में ऐसे करना। ठीक है, ट से न तक ऐसे जैसे मैम ने लिखा है ऐसे ही आप मात्राएं लगाकर उनका उच्चारण सीखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।